इसी साल 5 फरवरी को एक फिल्म रिलीज होने वाली थी, नाम था आधार। जनवरी में इसका ट्रेलर भी आ गया था, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। इस फिल्म को बना रहे हैं बंगाली फिल्म मेकर सुमन घोष। इससे पहले पोदोखेप, नोबेल चोर और बसु परिवार जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्में बना चुके हैं। पोदोखेप को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। दृश्यम फिल्म्स ने जियो स्टूडियोज के साथ मिलकर आधार फिल्म को प्रोड्यूस किया है। दृश्यम फिल्म्स इससे पहले भी कमाल की फिल्में प्रोड्यूस कर चुका है। मसान, न्यूटन, कामयाब, रामप्रसाद की तेरहवीं, उन्हीं में से कुछ नाम है। फिल्म मेकर सुमन घोष मियामी में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और भारत में फिल्में बनाते हैं। उनका कहना है, ये फिल्म इस साल 5 फरवरी को रिलीज होने वाली थी। जनवरी में ट्रेलर आने के बाद मेरे प्रोड्यूसर जियो स्टूडियोज को UIDAI से कॉल आया। अधिकारियों ने स्क्रीनिंग के लिए पूछा। मैं उस समय भारत में नहीं था। फरवरी में दिल्ली में अधिकारियों को फिल्म दिखाई गई। इसके बाद उन्होंने फिल्म की रिलीज के लिए 28 कट के लिए कहा। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक दिल्ली के UIDAI ऑफिस ने कंफर्म किया कि डिपार्टमेंट ने फिल्म देखी थी और एडिट के लिए कहा था। ऑफिस ने इस मामले में और अधिक जानकारी देने से मना कर दिया। जनवरी में जो ट्रेलर आया था उससे पता चला था कि आधार की कहानी झारखंड के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। गांव में रहने वाला कुम्हार परशुआ, एक दिन इस शांत से गांव में एंट्री होती है कुछ सरकारी अफसरों की। पूरा गांव एकाएक भीड़ लगा लेता है। अफसर बताते हैं कि आप लोगों की सुविधा के लिए सरकार एक परिचय पत्र बना रही है जिसका नाम है आधार। गांव में बात उड़ जाती है कि भैया ये एक ऐसा नंबर है जो जिंदगी बदल डालेगा। परशुआ भी अपनी किस्मत को 360 डिग्री घुमाना चाहता है कि उसका भी नंबर लग जाए। इसी उम्मीद से आधार रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच जाता है। गांव का पहला आधार कार्ड होल्डर बन जाता है। उसका ये फैसला एक जिम्मेदारी भी लेकर आता है, सबको रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी। इसी के चक्कर में उसकी लाइफ में क्या उठापटक मचती है, ये फिल्म उसी की कहानी है। फिल्म मेकर सुमन घोष का कहना है कि फिल्म वास्तव में आधार के पहल को मजबूत करती है, लेकिन UIDAI की आपत्तियों की वजह से फिल्म फंसी हुई है। 1989 में अमिताभ बच्चन की फिल्म मैं आजाद हूँ की तर्ज पर इस फिल्म का एक डायलॉग है, मैं आधार हूँ। अधिकारियों का मानना है कि इससे आधार की प्रतिष्ठा कम हो रही है। वहीं फिल्म का एक सीन है जहां एक गांव वाला प्रवेशी के मसले को समझने की कोशिश करते हुए पूछता है, सरकार क्या हमारे गुसलखाने में घुस जाएगी। एक और सीक्वेंस है जहां एक बूढ़ा आदमी चाहता है कि बायोमेट्रिक के लिए उसका मोतियाबिंद हटा दिया जाए। अधिकारियों को लगता है कि ये उनकी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली का अनुचित प्रतिनिधित्व है। घोष का कहना है कि ये पॉइंट बेमानी है क्योंकि फिल्म उस वर्ष पर आधारित है जब आधार कार्ड के लिए नामांकन शुरू हुआ था। क्रिएटिव प्रोसेस पर कॉल लेने के लिए सेंसर बोर्ड मौजूद है। सरकारी अधिकारी जिन्हें किसी फिल्म में रूपक या व्यंग की समझ नहीं है, वे इसकी सामग्री पर फरमान कैसे जारी कर सकते हैं। घोष ने इस मामले में UIDAI के CEO सौरभ गर्ग को लेटर लिखा है। घोष ने अपने लेटर में लिखा है, मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, आधार जैसे कार्ड की उपयोगिता समझता हूँ। एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं इस पहल का एक मजबूत समर्थक रहा हूँ। डिजिटल पहचान के संभावित लाभ के बारे में जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए फिल्म की अवधारणा विकसित की थी। उनका कहना है कि इस मामले में उन्हें नहीं पता है कि कैसे आगे बढ़ना है। उनका कहना है कि UIDAI ने मौखिक रूप से मेरे निर्माता को बदलावों से अवगत कराया है, लेकिन मीटिंग के मेरी रिक्वेस्ट को रोक दिया गया है। हालांकि कानूनी तौर पर वे फिल्म की रिलीज को रोक नहीं सकते हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। शुक्रिया।